स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षकों के लिए खबर अच्छी है या बुरी है, इस बात का फैसला तो खुद शिक्षक जरूर कर लेंगे, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो शिक्षा मंत्री की तरफ से आ रही है। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर रोक लगा दी गई है, यानी कि अभी तक मैं आपको एक डेटा बताऊं तो बिहार में तबादले को लेकर शिक्षकों के यहां पर आवेदन करना था ऑनलाइन, और जो डेटा हमारे पास निकलकर सामने आया है, जो कि आज के हिंदुस्तान खबर में भी इसका अपडेट दिया गया है, आप देख सकते हैं इस पोस्ट में कि 1,20,000 शिक्षकों ने अभी तक इसका आवेदन भी कर लिया। जहां पे आपको मैं बता दूं कि नियोजित शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा दे चुके थे वो भी यहां पर अपने ट्रांसफर को लेकर जो है आवेदन किए हुए थे। तो 1,40,000 तो शिक्षक पास ही थे, जिसमें से 1,20,000 शिक्षकों ने यहां पर आवेदन कर दिया था। उसी में से बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर यहां पर विरोध किया, और मामला कोर्ट में गया हुआ था। जहां पर कोर्ट में ये मामला था, पटना हाई कोर्ट की तरफ से आज सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश इस पे क्या लगा, तो इस पे लगा स्टे। इन द सेंस कि इसको खत्म नहीं किया गया, इसको यहां पर जो है अगला तारीख दे दिया गया। ये तारीख दिया गया जनवरी महीने में कि इसका जो है सुनवाई किया जाएगा, लेकिन यह मामला अभी भी चल रहा है। ये शिक्षकों के हित में होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उसके बाद यहां पर शिक्षा मंत्री तबातोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे ट्रांसफर पॉलिसी के जो नियमली है इसको व्यवहारिक कठिनाइयों से जूझता हुआ बताएं, यानी कि व्यवहारिक कठिनाइयों के चलते यहां पर शिक्षक जो है अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे, इसका उन्होंने हवाला दिया। और यहां पर उन्होंने कहा कि इस नीति के, इस ट्रांसफर नीति को हम लोग यहां पर जरूर कुछ ना कुछ संशोधन करेंगे और इसमें बदलाव करेंगे। अब यहां पर एक अपडेट और दे दिया गया कि बिहार में जितने भी सक्षमता परीक्षा हो रही है, चूंकि एक हो चुका है, दो हो चुका है, अब तीसरे के लिए इस महीने के अंत में आपका फॉर्म भरवाया जाएगा। तो आपको बता देना चाहते हैं कि जब इसका फॉर्म भरवाया जाएगा तो इसका परीक्षा भी होगा। सक्षमता परीक्षा 4 और 5 को ऑफलाइन मोड पे लेना है, तो उसके लिए भी कुछ अपडेट आएंगे नियमली में कि ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन ही ले लिया जाएगा, तो इसको भी अपडेट किया जाएगा। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि अब जो है ट्रांसफर नीति पर रोक लग चुका है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने खुद इसका अपडेट दिया और उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा 5 तक कंप्लीट हो जाने के बाद ही उन सभी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में हम सोचेंगे। फिलहाल जो जहां पर अभी कार्यरत हैं शिक्षक वो वहां पे कार्यरत रहेंगे। अब इसमें नुकसान सबसे ज्यादा अगर देखिएगा तो किसका हो रहा है, क्योंकि ये पॉलिसी अगर कहीं ना कहीं गलत थी तो किसी ना किसी के लिए तो अच्छी साबित हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उससे जूझना पड़ेगा जो छात्र बीपीएससी के माध्यम से अपने घरों से दूर जाकर पढ़ा रहे थे उनके ट्रांसफर को लेकर। एटलीस्ट यहां पर तो बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि कम से कम सर बीपीएससी वालों का सोच लेते, बीपीएससी वालों का ट्रांसफर कर देते, बाकी जो नियोजित शिक्षक है उनका बाद में करते। तो इन सभी चीजों को लेकर जो है अब एक साथ आपके ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी और उसके आधार पर आप विशिष्ट शिक्षक के तौर पर नए स्कूल में पदस्थापित होंगे। लेकिन अभी जितने शिक्षक जो है नियोजन के माध्यम से सक्षमता परीक्षा दिए उसके बाद और सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। उनको जितना भी सैलरी वगैरह स्केल होगा वो बिल्कुल जो नए नियमावली के तहत है बीपीएससी के शिक्षक के समकक्ष है, या फिर कहें तो बिहार शिक्षा विभाग के तहत जो शिक्षकों की नई नियमावली बनी है उसके समकक्ष है, तो वो आपको दिया जाएगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको साझा किया है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका अपडेट उन्होंने कब आएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो जो भी आएगा, जो जब भी आएगा उसका अपडेट हम आप तक साझा भी करेंगे अपने इसी चैनल के माध्यम से। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। साथ ही साथ आप लोगों के, आप जितने भी शिक्षक गण हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। विजिट करते रहें keeducation.in का ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पे लेटेस्ट जॉब आपको मिल रहे हैं, और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।